इसका है, इसको पुल करेंगे ना। रोहतक करनाल भिवाड़ी, आइए 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 जल्द। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू चार्ज। और दोस्तों मैं आज आया हूँ दिल्ली एनसीआर के सबसे पुराने एयरप्लेन रेस्टोरेंट घूमने, जिसका नाम है रनवे वन और जो कि है रोहिणी में। और कि इतना बड़ा एयरप्लेन रेस्टोरेंट है कि मैं क्या बताऊँ, सबसे पुराना तो है, सबसे खास भी है और सबसे बेस्ट भी है। और अगर आप अपने बर्थडे या एनिवर्सरी के लिए कुछ बढ़िया जगह ढूंढ रहे हैं तो इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा, सस्ता और बेस्ट नहीं मिलेगा। तो अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलने वाली है और अंदर का फूड कैसा है, ये और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अंदर चलते हैं और एयरपोर्ट रेस्टोरेंट घुमाते हैं आपको और अंदर से पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए देखिए, बोटिंग वोटिंग हो रही है यहाँ पर। अब बहुत प्यारी जगह ये इठाला में है और बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत कुछ है यहाँ पर। सो दोस्तों देखिए, सामने ये है आपका एडवेंचर आइलैंड की एंट्री गेट है और काफ़ी लोग देखिए पूरी लाइन लगी है, बहुत लोग आ रखे हैं। मैंने कल वीडियो डाली थी, आप ज़रूर देख रहा, उसको लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो दोस्तों देखिए, हम पहुँच चुके हैं टिकट काउंटर पर और देखिए ये जो टिकट काउंटर आप देख रहे हो ना, ये एडवेंचर आइलैंड की है और ये है डायनासोर की। और सामने देखिए एयरप्लेन रेस्टोरेंट की है जहाँ पे हमें जाना है, तो उसका टिकट काउंटर यहाँ पे है। चलिए अब टिकट की डिटेल आपको देते हैं। सो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है रनवे वन का टिकट काउंटर है। टिकट की बात करें दोस्तों, पर पर्सन 200 टिकट है। और जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जो भी आप फूड ऑर्डर करेंगे, इन सपोज आपका जो बिल बनता है 500 बनता है, तो 200 रुपये ऑलरेडी आपने यहाँ पेमेंट कर दिए, वो रिडीम हो जाएंगे, यानी आपको सिर्फ 300 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो उसमें एडजस्टेबल है। और दोस्तों बात करते हैं बच्चों की, तो 4 साल तक बच्चों का टिकट बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर जो है पूरी टिकट लगने वाली है। और यहाँ पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेमेंट कर सकते हैं और बुकिंग भी करा सकते हैं। चलिए बाकी इन्फॉर्मेशन मैं अंदर जाके देता हूँ। दोस्तों बात करते हैं इसके टाइमिंग के। दोस्तों ये ऑल डे 11 बजे दिन में ओपन हो जाता है, रात के 11 बजे तक ओपन होता है। तो नाइट में भी इसका जो व्यू है बहुत अच्छा होता है, अगर आप नाइट में आ रहे हैं डिनर के लिए तो भी आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें दोस्तों, ये पड़ता है रिठाला मेट्रो, वहाँ से वॉक करके आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो पार्किंग बहुत सस्ती है, 50 रुपये आपके होंगे कार के और 30 रुपये आप बाइक के होंगे, तो आप ईज़िली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कहाँ बैठा है भाई अनिल? अरे यार, मैंने इनके टायर की क्वालिटी चेक कर रहा था और टायर इतने बड़े हैं ना, पूछे मत ही, और जबरदस्त टायर है। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ टायर पर, दोस्तों आप देख पा रहे हो टायर कितना बड़ा है। और दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारी एक्टिविटी आपको करने मिलेगी, और सबसे पहले एक्टिविटी आपको मैं खुद दिखाता हूँ यहाँ से, देखिए। सो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ना आपको 200 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। 200 रुपये आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली वो बताता हूँ, मज़ा आने वाला है देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले फैसिलिटीज़ दोस्तों मिलेगी, आप यहाँ पे एक यूनिक प्लेस में, एक एयरप्लेन रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले हो। दूसरा दोस्तों ये देखिए, अगर आपका बर्थडे वगैरह है ना तो ये डीजे वगैरह अब चलते रहते हैं। फिलहाल मैंने ये बंद करवा दिया था क्योंकि यहाँ पे मेरे को कॉपीराइट है, इसलिए मैंने बंद करवाया। यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आइए, आराम से खूब सारे डांस कीजिए यहाँ पे, बकायदा अपने फरमाइश से गाने बजवाइए यहाँ पे। और सबसे पहले फैसिलिटीज 200 रुपये में, दोस्तों पहले खाना तो आप खा ही रहो, आप यहाँ पे डीजे मजे ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर डीजे चलता रहेगा और कोई टाइम लिमिट नहीं है यहाँ, आप कितना भी समय बिता सकते हो, पूरा कोई टाइमिंग यहाँ पे लिमिट वगैरह नहीं कि आपको 1 घंटा 2 घंटा, आप आओ यहाँ पे पूरे टाइम बिताओ, यहाँ पे खूब नाचो गाओ। तो ये दूसरी फैसिलिटी है जो कि मिलने वाली है, चलिए ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों देखिए, एयरप्लेन रेस्टोरेंट के जस्ट साथ में ना ये डायनासोर पार्क भी है, देखिए यहाँ पे ना आप यहाँ भी घूम सकते हैं डायनासोर पार्क में। देखिए इसकी टिकट दोस्तों 100 रुपये में क्या थे, आप बच्चों के लिए ठीक है। सो दोस्तों इस तरह के स्टेयर्स है जो आपको चढ़ने मिलेंगे और यहाँ से नज़ारे देखे कितने प्यारे दिख रहे हैं यहाँ से। So, दोस्तों ये है कॉकपिट है, देखिए दो लोग की सीट होती है, चलिए हम ही बैठते हैं, मजे करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों ये है मैं आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठा देखिए, लेकिन पहली बार कॉकपिट बैठ रहा हूँ और कॉकपिट देखिए कितना मतलब हाईटेक होता है। इतनी तरह की यहाँ पे ना बटन है कि माथा चक्कर आ जाए, और ऊपर आसमान में मतलब अगर आप कोई बंदा यहाँ इसको हैंडल कर रहा है ना, सोचो उसकी कितनी, उसके दिमाग कितना तेज चल रहा होगा, क्योंकि हर सेकंड में कुछ ना कुछ के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई कुछ गलत ना हो जाएगा। देखिए ये इसका है, इसको पुल करेंगे ना ये जो है ऊपर उड़ जाएगी, तो फिलहाल हम उड़ाने का मकसद में नहीं है फिलहाल। और ये जगह है भाई, प्लीज़ बैठिए आप यहाँ पर।
अनिल उड़ाएगा कैप, मैं भी ले लेता हूँ, मैं इसका कोप। दोस्तों मेरा ये को पायलट है रवि। यस, मैथमेटिक्स में नंबर एक बहुत कम थे दोस्तों, लेकिन आज ही प्लेन उड़ा रहा है देखिए। यस, और ये हमारा अभी ऊपर जाने वाला है। और दोस्तों देखिए हम लोग कितने हुए ना, चाहे कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपने धार्मिक फोटो लगाना नहीं भूलते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपको बाहर के नज़ारे देखने मिलेंगे, दिख रहे हैं क्या? सो दोस्तों अगर आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो आपको यहाँ केक्स वगैरह मिल जाते हैं। देखिए केक्स लिखे हैं 650 ऑनवर्ड्स हैं, आप यहाँ पे अपने ऑर्डर करके ले सकते हैं। तो आपको बाहर से आने की जरूरत नहीं है, और शायद बाहर से अलाउ भी नहीं होगा फिलहाल। सो दोस्तों ये देखिए एयरप्लेन रेस्टोरेंट का इंटीरियर पार्ट है। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट है, अगर आपको कपल आता है उसके लिए भी अलग है, दो बंदों की सीट है, यहाँ फैमिलीज के लिए भी है। इसके अलावा दोस्तों अगर बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना है तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डेकोरेटेड है हैप्पी बर्थडे, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ कर ना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा आपको। और इस साइड आएंगे देखिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप बैठ पाएंगे, और देखिए यहाँ पे देखिए बर्थडे का दिया डेकोरेट कर रखा है, और आप एनिवर्सरी का करवा सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल हमने बैठ गए और मैं रवि के साथ आया हूँ। रवि क्या तुम पहली बार आए हो? यार दूसरी बार लाया, तुम कह रहे पहली बार है। रवि दूसरी बार आया तो काफ़ी दिन से बोल रहा था चलते हैं, तो फिलहाल तो हम आ गए, चलो ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। सर दोस्तों देखिए ये मेनू है, इसमें आप क्या क्या कैसे डेकोरेशन करवा सकते हैं, कितनी डिटेल उसके चार्जेस लगेंगे उसका मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए रवि पहले आधे घंटे से ना सर्च मार रहा है, पता नहीं क्या देखना चाहता है, क्या ऑर्डर करेगा समझ नहीं आ रहा है। भाई क्या खाना तुझे बता दें? पिज्जा ही खाते यार। हैं पिज्ज़ा खाएगा? फिर पलट क्यों रहा है, पिज्ज़ा सेक्शन दे और कुछ मन कर जाए क्या पता। हाँ ये इसके बाद दोस्तों आपको ना इस तरह के ना बॉटल मिलेगी पानी की, बाहर से नहीं ला सकते, तो ये चार्जेबल होगी ठीक है। तो दोस्तों ये अंदर का एम्बियंस देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर, और मुझे ना मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं जितने भी एयरपोर्ट रेस्टोरेंट गया ना, मुझे सबसे बेस्ट और चीप यही पड़ा है, सस्ता ये पड़ा। अगर आप एयरपोर्ट रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं, कोई एक जाना चाहते हैं, तो यहीं आना, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। भाई सबके ऑर्डर आ रहे हैं, हमारे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे यार, समझ नहीं आ रहा यार, सबसे देर कर दिया मैंने, तो आधे घंटे हो गए अब तक हमारा ऑर्डर नहीं आया। रवि हमारा ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा यार? ऐसा क्या ऑर्डर किया यार, कढ़ाई पनीर ही तो मंगाया है। अरे सर पनीर लेने तो नहीं चला गया वो? तो देर आया दुरुस्त है, और बहुत देर बाद देखिए हमारा ना खाना आ गया है बकायदा। रवि के चेहरे मुस्कुराहट आई, बहुत देर बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो दोस्तों आप जानना चाहते हो ना खाना कैसा है यार, एक नंबर खाना था हमने मंगाया था, कढ़ाई पनीर और नान, यार नान ही बहुत बड़े प्यारे थे और कढ़ाई पनीर बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल फूड को मैं 10 में से 9 दूंगा, बहुत अच्छी क्वालिटी थी और सर्विस बहुत अच्छा था, लेट वेट कुछ नहीं हुआ था, हम ऐसे एक्टिंग कर रहे थे। तो यार अगर आप आते हो ना एक बार यहाँ पर जरूर आना, आपकी फैमिली के साथ आओ, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मतलब सीनियर सिटीज़न भी आ रखे हैं, गाँव के लोग भी आ रखे हैं मेरे खाने के। तो दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ एयरपेन रेस्टोरेंट के विंग्स पे, और यहाँ पे एक प्राइवेट एरिया है जहाँ पे एक्सेस करने के लिए आपको ना कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आपको जेब जो है ढीली करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। पर यहाँ पे अगर आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हो या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो आपको इस जगह के लिए लगभग 5000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, आपको पूरा ये एरिया बुक करना होगा, और उसके लिए जो आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी उसका कौन सा नंबर है मैं आपको नंबर दूंगा, उस नंबर पर कॉल करके आप इस एरिया को बुक कर सकते हैं। 5000 रुपये चार्ज करते हैं दोस्तों, और उसमें डेकोरेशन होता है इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है, खाना वाना सब इंक्लूड होता है उसमें, आपको उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे म्यूजिक वगैरह भी आपका इंतजाम होता है, मगर ये देखिए पूरा डेकोरेशन है, बाकी कुछ डेकोरेशन ये लाइटिंग वगैरह करते हैं, एसी वगैरह भी इसमें यहाँ रखी हुई है। और ये देखिए अभी कैसा लग रहा तुम्हें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। खाना कैसा लगा तुम्हें? खाना तो एक नंबर था, मस्त। मैंने अभी तक और जगह के रेस्टोरेंट में खाया है एरोप्लेन रेस्टोरेंट, लेकिन इसका ऑसम, बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों रवि को तो बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत मज़ा आया, खाना वाकई बहुत अच्छा था। और अगर आप आते हैं और कहीं भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो और इतना पैसा लग जाता है, हमने 600 रुपये में पूरा भरपेट खाना खाया, पनीर वगैरह नान वगैरह आया था, तो 600 रुपये हमारा चार्ज आया था। तो अगर आप इतना बजट है आपका, तो आप अपने दो या तीन बंदे आकर आराम से 600 रुपये में खाना खा सकते हैं, तीन बंदे कम से कम खाना खा लेंगे,
तो ये था, बहुत मजा आया। तो दोस्तों ये आप देखिए मेरे कुछ यहाँ फैमिली आई है जो अभी अभी एयरपोर्ट रेस्टोरेंट में लंच करके आई है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी लगा, अच्छा लगा। खाना कैसा था? बहुत मस्त था, मस्त था। आप रेकमेंड करोगे कि और लोग को आना चाहिए? यस ऑब्वियसली, आओ आओ, एंजॉय करो, समर सीजन इज अ ब्यूटीफुल, अच्छा है। चलिए दोस्तों ये थे हैप्पी, क्या कहते हैं, हैप्पी कहते हैं फैमिली। तो दोस्तों आप भी आइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए दोस्त साथ, खूब एंजॉय कीजिए। सो दोस्तों ये था हमारा रनवे वन रोहिणी का एयरपोर्ट रेस्टोरेंट, बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है, मुझे सबसे फेवरेट लगता है। जितने भी रेस्टोरेंट मैंने विजिट किया उनमें सबसे बेस्ट और सस्ता यही है। अगर आप यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स से आना चाहते हैं तो यार बिल्कुल आओ, मैं रेकमेंड करूँगा। यहाँ पे बहुत सस्ता है, 200 रुपये एंट्री फीस है जो कि आपके फूड में इंक्लूड हो जाएगी, मतलब उसके लिए, मतलब उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जो भी आप लोगे वो फूड में इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए दोस्तों नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बात करें तो रोहिणी पड़ता है, आप वहाँ पर आ सकते हैं। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जितने टाइम स्पेंड करना कर सकते हैं। यहाँ पे आप डांस कर सकते हो, यहाँ पे अपने दोस्तों साथ खाना खा सकते हो और बहुत कुछ एक्टिविटी जो भी यहाँ कर सकोगे। इसके अलावा दोस्तों ये नाइट में भी ओपन होता है, नाइट बहुत अच्छी यहाँ पे लाइटिंग होती है, तो अगर डिनर के पर्पज़ से आए तो शाम में आओ, बहुत मज़ा आएगा। और बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, अगर बर्थडे वर्थडे सेलिब्रेट करना है तो आपको केक मिल जाएगा और उसके चार्जेस भी आपको बता दिए। तो वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।